कच्चा चिट्ठा का स्पेशल शो आज अटारी वाघा बॉर्डर से जा रहा है, वही अटारी वाघा बॉर्डर जहां अमृतसर से दूरी इसकी 32 किलोमीटर है तो लाहौर से इसकी दूरी महज 24 किलोमीटर दूर है। अटारी वाघा बॉर्डर के इस स्पेशल एडिशन में हम आपको यूक्रेन युद्ध के बारे में बताएंगे। हालांकि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का जिक्र करें तो ये किसी से नहीं छिपे हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते मौजूदा वक्त में कैसे हैं ये सभी को मालूम है। तो चलिए कच्चा चिट्ठा की शुरुआत करते हैं इस स्पेशल एडिशन अटारी वाघा बॉर्डर से, जहां बात होने जा रही है अभी रूस यूक्रेन महायुद्ध की। इस वक्त युद्ध के मैदान से सबसे बड़ी खबर यही है कि पुतिन ने चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को परमाणु सेंटर का कमांडर बना दिया है, यानी कि अब परमाणु बम का बटन रमजान कादिरोव के हाथ में है। और यही बात पूरे यूरोप को डराने के लिए काफी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब कादिरोव को सौंप दी गई है, इसलिए परमाणु बम का खतरा भी अब हद से ज्यादा बढ़ गया है। बाइडेन को उम्मीद नहीं थी कि पुतिन ऐसा फैसला ले लेंगे। ज़ेलेंस्की ने सोचा भी नहीं था कि पुतिन ये कदम उठा लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी भनक नहीं लगी। ब्रिटेन की सरकार भी चौंक गई। आखिर ऐसा क्या कर दिया पुतिन ने? पुतिन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से पूरा यूरोप परमाणु ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा हो गया है। परमाणु ठिकानों की चाबी पुतिन ने एक ऐसे खतरनाक कमांडर के हाथ में सौंप दी है जो पहले ही यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी दे चुका है। ये वो पुतिन का खतरनाक कमांडर है जिसके नाम से ही ज़ेलेंस्की बेचैन होते हैं, और अब उसी कमांडर के हाथ में लग गया है परमाणु अड्डा। बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन ने इतना बड़ा फैसला सोच समझ कर लिया है? हर सवाल का जवाब हम आपको विस्तार से देने वाले हैं। क्या हुआ सब कुछ आपको बताते हैं, लेकिन पहले जंग के मैदान का नक्शा देखिए। यूक्रेन में यह इलाका है ज़ापोरिज़िया, और इसी इलाके में एक और कस्बा है जिसका नाम है इनेरहोदार, और यहीं पर ज़ापोरिज़िया का परमाणु संयंत्र। ये जानकर शायद आप भी चौंक जाएंगे, पुतिन ने ज़ापोरिज़िया के इस न्यूक्लियर टाउन में अपने सबसे खास जनरल रमजान कादिरोव के कोर कमांडर्स को भेज दिया है। आखिर क्यों पुतिन ने ऐसा किया है ये जरा आपको समझाते हैं। पहले पुतिन की स्ट्रैटेजी को जरा गहराई से समझिए। क्या ये रूस की खतरनाक न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की पॉलिसी है? क्योंकि सबसे पहले पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को एटम बम सप्लाई करके पोलैंड समेत कई देशों को डरा दिया है, और अब पुतिन ने ज़ापोरिज़िया के परमाणु प्लांट की सुरक्षा की जिम्मेदारी ही खूंखार कमांडर कादिरोव को सौंप दी है। तो सवाल ये कि क्या यूक्रेन को वाकई अब बेहद क्रूर और खूंखार कमांडर के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है? ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। आखिर जनरल रमजान कादिरोव कौन है? रमजान कादिरोव वही शख्स है जिसने एकदम साफ साफ यूक्रेन पर परमाणु हमला करने के लिए पुतिन को उकसाया था। कादिरोव ने न सिर्फ पुतिन को उकसाया था बल्कि एक बयान भी दिया था जिसमें एकदम स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यूक्रेन पर परमाणु हमला किया जाए। याद कीजिए पिछले साल अक्टूबर के महीने में जब एक के बाद एक पुतिन की सेनाएं तीन इलाकों में हार गई थी, जब खारकीव, इज्यूम और लीमान में रूस की सेनाओं के पांव खड़ गए थे और ज़ेलेंस्की की आर्मी विजय के गीत गा रही थी। ठीक उसी वक्त पूरे यूक्रेन को धमकाते हुए और पूरी दुनिया को चौंकाते हुए
कादिरफ ने बयान दिया था कि पुतिन यूक्रेन को सरेंडर करवाने के लिए उस पर न्यूनतम तीव्रता के परमाणु बम का इस्तेमाल करें। रमजान कादिरफ उस वक्त रूस की हार से इस कदर बौखला गया था कि उसने अपने टेलीग्राम चैनल पर सीधे सीधे हिरोशिमा और नागासाकी की घटना का जिक्र करते हुए लिखा था कि मुझे नहीं पता कि लीमान में हुई हार पर रूस के रक्षा मंत्रालय को सुप्रीम कमांडर इन चीफ क्या रिपोर्ट देता है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय में अब समय आ गया है कि रूस के बॉर्डर्स पर मार्शल लॉ की घोषणा कर दी जाए और न्यूनतम क्षमता के परमाणु हथियार तैयार किए जाएं। ये जरूरी नहीं कि हर फैसला पश्चिमी देशों और अमेरिका को ध्यान में रखकर लिया जाए। अमेरिका पहले भी परमाणु बम से हमला कर चुका है और हमारे खिलाफ तो अमेरिका बहुत कुछ कर चुका है। अब आप खुद सोचिए कि ये मामला कितना गंभीर है कि जिस कमांडर ने यूक्रेन को परमाणु हमले करके मिटा देने की बात कही हो, उसी कमांडर के हाथ में यूक्रेन का न्यूक्लियर टाउन दे दिया जाए, जो कि यूरोप का भी सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि कादिरफ ने यह साफ संकेत दिया है कि जिस तरह से अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला करके जापान को सरेंडर करवाया था, वैसे ही पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करके जेलेंस्की को सरेंडर करवाए। अब कई और घटनाओं की असली वजह भी सामने आने लगी है। दरअसल ज़ापोरिज़्या के न्यूक्लियर टाउन में किस तरह की साजिशें चल रही हैं, इसका पर्दाफाश धीरे धीरे हो रहा है। जेलेंस्की ने दावा किया था कि ज़ापोरिज़्या के अंदर जहां पर परमाणु संयंत्र हैं, उस इमारत के अंडरग्राउंड में और छत पर पुतिन बड़े बड़े बम फिट करने का आदेश दे चुके हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी भी वक्त ज़ापोरिज़्या के परमाणु संयंत्र को उड़ाया जा सके। तब जेलेंस्की ने न सिर्फ खुलकर ये बात कही थी बल्कि इस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को फोन भी किया था। Маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції, можливо, у них якийсь інший сценарій, але в будь-якому випадку світ бачить і не може не бачити, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія і ніхто інший. На жаль, не було вчасної і масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції, і це може надихати Кремль на нове зло. Ус вакт Зеленський ке ін давов пар савал кхаде ху рахе те, лекін аб є даве білкул сахі назар а рахе. Кюнкі агар іс вакт Запоріжжя ке парману кендр пар Рамзан Кадиров ка хі кабза та, то є ман кар чаліє кі Кадиров ке хункар сайник куч бі кар сакте. ज़ापोरिज़्या के न्यूक्लियर टाउन पर कादिरफ के सैनिकों का कब्जा है। कादिरफ के सैनिक ज़ापोरिज़्या के लोगों की तलाशी ले रहे हैं। कादिरफ के सैनिक ज़ापोरिज़्या के लोगों के मोबाइल चेक कर रहे हैं। ये जांच की जा रही है कि कहीं किसी भी यूक्रेन के नागरिक ने यूक्रेन की सेना को फंडिंग तो नहीं की है। जिन लोगों के मोबाइल में इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि उन्होंने यूक्रेन की सेना को फंडिंग की है, उनकी जान खतरे में पड़ी हुई है। अब देखिए, कादिरफ की स्ट्रेटेजी ऐसी है कि इन घटनाओं का तो यूरोप के मीडिया में कहीं जिक्र भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि लोग इसी चिंता में डूबे हुए हैं कि कहीं कादिरफ के सैनिकों ने ही परमाणु ठिकाने पर कोई बड़ा खेल कर दिया तो यूरोप की करोड़ों की आबादी का क्या होगा। अगर परमाणु विकिरण शुरू हो जाता है तो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित यूक्रेन होगा। इसके अलावा तुर्की में भी परमाणु विकिरण का असर पड़ सकता है। फिनलैंड और स्कैंडिनेवियन देशों में भी परमाणु रेडिएशन भारी तबाही मचा सकता है। यूरोप के कई देश इस परमाणु विकिरण की जद में आ सकते हैं। यानी खतरा तो बहुत बड़ा है, और यही वजह है कि जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है और यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या परमाणु संयंत्र पर रूस का कब्जा हुआ है, तब से ही लगातार यूरोप के तमाम देशों और खासकर सुरक्षा एजेंसियों की सांसें अटकी हुई हैं। यानी अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है और ये पूरी इंसानियत पर एक बड़ा संकट है। ज़ेलेंस्की आज इसलिए दबाव में हैं क्योंकि पुतिन ने युद्ध की शुरुआत में ही बहुत जबरदस्त कूटनीति के साथ ज़ापोरिज़्या पर पहले ही हमला करके कब्जा कर लिया था, और इसी वजह से उनको अब तक युद्ध में फायदा भी मिल रहा है। इस परमाणु संयंत्र में इतनी ऊर्जा पैदा की जा सकती है कि यूक्रेन के बड़े हिस्से को बिजली सप्लाई की जा सकती है। यही वजह है कि रणनीतिक दृष्टि से अहम इस इलाके पर रूस ने युद्ध के दिनों में ही कब्जा जमा लिया था। 26 फरवरी को रूस की फौजों ने बेद्रियांस्क पर कब्जा किया।
1 मार्च को रूस ने मेलिटोपोल पर कब्जा किया और 4 मार्च को रूस ने इनरोडर पर कब्जा कर लिया, जहां पर ज़ापोरिज़्या का न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है। अगर ज़ेलेंस्की को दोबारा इस परमाणु प्लांट पर कब्जा करना है तो उनको सबसे पहले इन्हीं 3 शहरों पर कब्जा करना होगा, और पुतिन के कब्जे से यूक्रेन के शहरों को बाहर निकाल पाना कोई हंसी खेल नहीं है।